हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग टॉट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या कोशिश रहेगी, कोशिश ये रहेगी कि किस कोई भी पेपर जिसमें टॉट आता है, चाहे वो आपका क्लैट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका नेट का एग्जाम हो, या आपका बिहार जुडिशरी हो, ठीक है। उन सब में जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएं। और दोस्त, ये मेरी बात मान लो कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आपके एग्जाम में टॉट आता है तो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉट क्या है? टॉट अपने आप में एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है। टॉट अपने आप में क्या है? एक फ्रेंच टर्म है जो कि एक लैटिन टर्म टॉर्टियम से ड्राइव हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? टू ट्विस्ट, ठीक। चलिए, और या लिख के आएगा रॉन्गफुल एक्ट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? लास्ट एक बार बिहार में पूछा गया था कि टॉट क्या है, ये फ्रेंच टर्म है, इंग्लिश टर्म है, लैटिन टर्म है। तो आपको पता होना चाहिए टॉट अपने आप में फ्रेंच टर्म है जो कि एक लैटिन टर्म टॉर्टियम से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? टू ट्विस्ट या रॉन्गफुल एक्ट। अब क्या हुआ इसमें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टॉट क्या है? अनकोडिफाइड है, ठीक है। इसके लिए टॉट में कोई सेक्शन एक्शन तो है नहीं, है क्या? नहीं है। तो ये अनकोडिफाइड लॉ है जो कि कहां से आया है? इंग्लिश कॉमन लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ जो कि बेस्ड है जुडिशियल प्रेसिडेंट, है कि नहीं। क्या कहने का मतलब है कि एक तो पहली बात तो टॉट क्या है? अनकोडिफाइड है, रिटिन नहीं है, कोई इसमें सेक्शन और ऐसी कोई चीजें नहीं है। ये कहां से ड्राइव हुआ है? इंग्लिश कॉमन लॉ। लास्ट ईयर बिहार में ये भी क्वेश्चन आया था कि टॉट कहां से आया है, इंग्लिश कॉमन लॉ लिखा होगा या इंग्लैंड लिखा होगा, ठीक है। दोनों ही चीजें याद रखिएगा। ये अनकोडिफाइड लॉ है, कहां से आए? इंग्लिश कॉमन लॉ जो कि बेस्ड है किस पे? जुडिशियल प्रेसिडेंट पे। कहने का मतलब है कि अगर कोई कोडिफाइड लॉ होता है तो उसमें क्या होता है? सेक्शंस लिखे होते हैं या आर्टिकल्स लिखे होते हैं, तो हमको वही सेक्शन और आर्टिकल याद करने पड़ते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टॉट, ये है अनकोडिफाइड। अनकोडिफाइड है तो ये जुडिशियल प्रेसिडेंट पे बेस्ड है, तो हम लोग को क्या याद करने पड़ेंगे? केसेस, है कि नहीं। तो इसमें सब केसेस का ही खेल है पूरे टॉट में, आपको बहुत सारे केसेस याद करने पड़ेंगे और वो आसानी से याद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टॉट में क्या हुआ, सबसे पहले जूरिस्ट में इसी बात पे बहस हुई कि टॉट क्या है, ठीक है। सारे जूरिस्ट मिलके ये बैठ गए कि टॉट क्या है, ये हम देखते हैं। तो सबने मिलके क्या किया, सबसे पहले इसे सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल लॉन्ग, दो चीजों को अलग किया। इस पे सब लोग एग्री हो गए कि भाई साहब रॉन्ग दो टाइप के होते हैं, या तो वो सिविल रॉन्ग होगा या क्रिमिनल रॉन्ग होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली टॉट जो होगा वो सिविल रॉन्ग में ही होगा, लेकिन उन्होंने सिविल रॉन्ग में भी टॉट को डिफ्रेंशिएट किया किससे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन निकल के आई कि भाई साहब टॉट इज ए सिविल रॉन्ग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। टॉट क्या है? जूरिस्ट लोग सब लोग मिलकर इकट्ठे हुए, उन्होंने ये इस पे बात की कि टॉट की डेफिनेशन देनी है, टॉट क्या है। तो सबने सबसे पहले मिलकर इस चीज पे एग्री हुए कि भाई साहब दो टाइप के रॉन्ग होते हैं, एक सिविल रॉन्ग और एक क्रिमिनल रॉन्ग, ठीक है। तो ऑब्वियसली सब लोग जानते थे टॉट सिविल रॉन्ग में फॉल करेगा, ठीक है। इस पे सब एग्री हो गए। अब सबने एग्री इस चीज पे हुए कि सिविल रॉन्ग भी दो टाइप के हैं, टॉट जो है वो अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन दोनों को छोड़ के जो होगा वो टॉट होगा। टॉट इज ए सिविल रॉन्ग अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट,
यहाँ तक तो सब एग्री हो गए, ठीक है। इसके बाद सबने अपनी अपनी डेफिनेशन दी टॉट पे, ठीक है। सामन साहब ने अपनी दी, विनफील्ड साहब ने अपनी दी, फ्रेशर साहब ने अपनी दी, तो सबने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, उसमें सब लोग अलग अलग रहे, ठीक है। चलिए अब हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसमें से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, डायरेक्ट पूछा भी जाता है उसमें से। चलिए हम लिखते हैं फिर देखते हैं क्या आई है। थर्ड, चलिए तो ये हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन लिख ली है जितनी इस पे आई अभी। तो सबसे पहले सामंत सावंत, देखिए अब बात ये है कि आपका टारगेट हैवी है, ठीक है। अब अगर अगर आप बिहार जुडिशरी दे रहे हैं तो आपको 250 में से 180 नंबर चाहिए, ठीक है। अगर आप फ्लैट दे रहे हैं तो आपको 150 में से 120 चाहिए। तो जब नंबर इतने चाहिए तो ये तो है नहीं कि डेफिनेशन एक ही दो हम देख के जाएं, ठीक है। ज़्यादातर तो यही पूछी जाती है सामान और विनफील्ड की, ठीक है, ज़्यादातर यही पूछी जाती है। लेकिन जितनी भी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ वो सारी कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, या तो DULLM में पूछी गई हैं, या बिहार जुडिशरी में पूछी गई हैं, या फ्लैट में पूछी गई हैं, ठीक है। तो आप सारी याद कर लीजिएगा, और याद कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगी। चलिए क्या है भाई, सबसे पहले सामन, ठीक है। सामन साहब ने क्या कहा, टॉट इज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और एनी अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। तो आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू सालमंट टॉट इज सिविल रॉन्ग और रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन, ठीक। इतना आप की वर्ड समझिए केवल, ठीक है। अरे ऑब्जेक्टिव टाइप करना है, पूरी डेफिनेशन थोड़ी लिख के आनी है। तो कहीं पे भी आप सिविल रॉन्ग और रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन देख लें, ठीक है। क्या सिविल रॉन्ग, रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन, समझ जाइएगा कि वो सामन साहब की दी हुई है, ठीक है। अब विनफील्ड साहब, विनफील्ड की लास्ट ईयर बिहार जुडिशरी में पूछी गई थी, क्या है, टॉर्टुअस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इन्होंने ब्रीच ऑफ ड्यूटी पे फोकस किया था, ठीक है। इनकी छोटी भी है, याद भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए ब्रीच ऑफ ड्यूटी पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है, कि टॉर्टुअस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ, ठीक। उसके बाद फ्रेशर, फ्रेशर साहब ने क्या कहा, इट इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग ए राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। इनका आपको कीवर्ड क्या याद रखना है, राइट इन रैम, ठीक है। क्या बोला था फ्रेशर साहब ने, बोला था कि टॉट इज द इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम। चलिए अब लॉर्ड डैनिंग, लॉर्ड डैनिंग साहब की डेफिनेशन क्या है, द प्रोविंस ऑफ टॉट, प्रोविंस ऑफ टॉट इन्होंने ही इस्तेमाल किया और किसी ने नहीं किया, ठीक है। द प्रोविंस ऑफ टॉट इज टू एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंजीरियस कंडक्ट। अब हेनरी मेन, सर हेनरी मेन ने डेफिनेशन जो दी है, इन्होंने बोला टॉट इज द पेनल लॉ, पिनल लॉ ऑफ एंशियंट कम्युनिटीज, ठीक है। अब क्या है, आप लोग को मालूम भी होगा इस आईपीसी ड्राफ्टिंग में, आईपीसी ड्राफ्ट किसने की है, लॉर्ड मैकुले ने, ठीक है। सर हेनरी मेन साहब भी उसी कमेटी में थे, ठीक है, ये मेंबर रहे थे जब इंडियन पिनल कोड जब ड्राफ्ट हो रहा था, ठीक है। तो जिस हिसाब से स्कॉलर्स का वर्क होता है ना, उनकी सोच भी वैसी होती है, ठीक है, आपको दिख जाएगा उनकी सोच के हिसाब से, उनके थॉट्स के हिसाब से कि वो किस टाइप के स्कॉलर्स हैं, मतलब किस फील्ड में उन्होंने काम किया है। तो इन्होंने क्या कहा, सर हेनरी मेन साहब ने कहा द पेनल लॉ ऑफ, पेनल लॉ ऑफ एंशियंट कम्युनिटीज, टॉट इज द पेनल लॉ ऑफ एंशियंट कम्युनिटीज। अब विलियम जे प्रोसर साहब ने क्या कहा, द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लॉ ऑफ टॉट। आप लोग कमेंट करके बताइए सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी किसने दी है ज्यूरिसप्रूडेंस में, ठीक है। चलिए अब बाकी की देखते हैं, चलिए ये तीन डेफिनेशन और रह गई थी, ठीक है, कौन कौन सी, सीजे प्रैट, क्लर्क एंड लिंसेल एंड पॉलो, ठीक है, ये तीनों और रह गए थे। तो सीजे प्रैट ने क्या कहा, सीजे प्रैट ने कहा टॉट्स आर इनफाइनेटली वेरियस नॉट लिमिटेड और कन्फाइंड, तो इन्होंने इनफाइनेटली बोला था, ठीक है।
हमें क्या करना है, पूरी डेफिनेशन में से एक दो टर्म याद कर लेने हैं, कैच कर लेना है, ठीक है, जिससे हम ऑब्जेक्टिव टाइप में समझ जाएं, अच्छा इनफाइनेटली इस्तेमाल हुआ है, टॉट्स आर इनफाइनेटली, इसका मतलब सीजे प्रेट साहब ने ये लिखी है। क्लार्क एंड लिंडसेल की क्या डेफिनेशन है, ए टॉट में बी डिस्क्राइब एज ए रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द एप्रोप्रिएट रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन, ठीक है। आप कुछ और भी टर्म उठा सकते हैं जो आपको आसानी से याद करें, मतलब याद हो जाए। पॉलॉक साहब ने क्या लिखी है, द लॉ ऑफ टॉट इज ए सिविल रॉन्ग इज ए कलेक्टिव नेम फॉर द रूल्स गवर्निंग मैनी स्पेसीज ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है, जिसमें मैनी स्पेसीज ऑफ लाइबिलिटीज याद कर लेना है। या सिविल रॉन्ग इज ए कलेक्टिव, सिविल रॉन्ग तो हम लोगों ने सामान का याद किया है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। फाइनली क्या हुआ, सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट में उसके सेक्शन 2M में टॉर्ट की डेफिनेशन दी हुई है, क्या है, टॉर्ट मीन्स ए सिविल रॉन्ग फॉर विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कहने का मतलब है टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है वो जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना हो। चलिए, इतनी सारी डेफिनेशन देने के बाद क्या हुआ, दो थ्योरीज निकल के सामने आई, ठीक है, सारे स्कॉलर्स ने मिलकर इतनी डेफिनेशन दी, उससे दो थ्योरीज निकल के सामने आई, ठीक, और चलिए अब उन दो थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले। सब लोगों ने मेहनत करके इतनी डेफिनेशन तैयार की, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये सारे जूरिस्ट मिलकर दो दो थ्योरीज पे एग्री हुए। कौन कौन सी थ्योरीज है देखते हैं भाई। पहली थ्योरी ये कहती थी और थ्योरी क्या कहती थी, ऑल इंजरीज डन बाय वन पर्सन टू अनदर इज टॉट अनलेस इट इज जस्टिफाइड बाय लॉ। कहने का मतलब है पहली थ्योरी जो थी, ठीक है, अब स्कॉलर्स क्या हुए, दो थ्योरी में अलग अलग डिवाइड हो गए। पहली थ्योरी थी वो क्या कहती थी, ऑल इंजरीज डन बाय वन पर्सन टू अनदर, कोई भी इंजरी अगर किसी के द्वारा किसी दूसरे को की जा रही है तो वो टॉर्ट होगी और अगर उसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है। इस थ्योरी को सपोर्ट कौन करता था, इस थ्योरी को विनफील्ड साहब, विनफील्ड एंड पॉलॉक साहब इसको सपोर्ट करते थे। इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था, इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये था कि ऑल अनजस्टिएबल हार्म्स, ऑल अनजस्टिएबल हार्म आर टॉर्टियस। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जिस जो कोई भी ऐसा हार्म है जिसका आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो टॉर्ट में फॉल हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरी किस मैक्सिम को सपोर्ट करती थी, मतलब कौन सी मैक्सिम इस थ्योरी को सपोर्ट करती है, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, बताइए भाई इसका मतलब। वेयर देयर इज ए राइट देयर इज रेमेडी, राइट देयर इज रेमेडी। अब क्या था, जरा इस थ्योरी के बारे में देखते हैं, अब क्या है, इतनी बात पहले आपने समझी, क्या है ये, देखिए अभी हम लोग ये देख रहे थे कि सारे स्कॉलर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, आपने देखा, उसके बाद डेफिनेशन देने के बाद सबकी डेफिनेशन अलग अलग थी, तो क्या हुआ, स्कॉलर्स दो थ्योरीज पे डिवाइडेड हो गए, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी क्या कहती थी, फर्स्ट थ्योरी ये कहती थी कोई सी भी इंजरी हो अगर उसका आपके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो टॉर्ट है, ठीक है। अब ये थ्योरी
इस थ्योरी को कौन सपोर्ट करता था? विनफील्ड साहब और पॉलॉक साहब। ठीक, अब क्या हुआ, इस थ्योरी की ये जो थ्योरी है किस मैक्सिम के, किसके ग्राउंड पे वो जुरिस्ट बोल रहे थे? उबी जस इबी रेमेडियम कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी आपके पास राइट है, ठीक है, तो उसकी रेमेडी भी होनी चाहिए। ठीक, अब क्या हुआ, ये कहता था कि अगर किसी ने कोई एक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि ये कोडिफाइड नहीं है, टॉर्ट जो है वो कोडिफाइड नहीं है, अगर किसी ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो उस कहीं पे फॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करे, तो कोर्ट क्रिएट न्यू टॉर्ट, ठीक है, नया टॉर्ट बनाओ और डिफेंडेंट को लायबल करो। भाई उसने अगर इंफ्रिंजमेंट किया है तो उसको लायबल करो, ये नहीं कि यार ऐसा तो कुछ यार पहले से किसी केस में बोला नहीं गया, ऐसा नहीं होगा, नया टॉर्ट बनाओ, ठीक है, उसमें नई लायबिलिटी डालो और ऐसा करो। अब क्या हुआ, सेकंड थ्योरी क्या कहती है, सेकंड थ्योरी जो है ना वो सामंत साहब ने अपनी बुक में लॉ ऑफ टॉर्ट, देखिएगा ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इन्होंने विनफील्ड साहब की जो बुक है उसका नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट, विनफील्ड साहब ने एक बुक लिखी थी उसका नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट, सामन साहब ने लिखी है उसका नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट, मतलब एस लगा हुआ है, सामन से ध्यान रखिएगा, एस से एस याद रखिएगा, जिसमें एस लगा हुआ है वो सामन साहब की दी हुई है, ठीक है, अगर बुक का नाम पूछ दिया जाए, एक दो बार पूछा भी गया है। चलिए अब ये थ्योरी क्या कहती थी, देखिए इनका ये कहना था कि लॉ ऑफ टॉर्ट, सेकंड थ्योरी क्या कहती थी, लॉ ऑफ टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ क्लियर सेट ऑफ पिजन होल, ठीक है, इनका क्या कहना था कि देखो सामन साहब बोलते थे लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो स्पेसिफिक पिजन होल के सेट से बना हुआ है। पिजन होल क्या है, फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए, ठीक है, ये है, अब इसमें उनका कहना ये था कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो अगर इनमें से किसी होल में आ रहा है, ये होल्स क्या है ये बता रहे हैं कि टॉर्ट क्या है, फॉर एग्जांपल कि डिफेमेशन है, ठीक है, जितने भी स्पेसिफिक टॉर्ट हैं जो दिए हुए हैं, डिफेमेशन है, ठीक है, और ये आपका टॉर्टस लाइबिलिटी है और आपका मलिशियस प्रोसिक्यूशन है, अगर स्पेसिफिक जितने भी दिए हुए हैं अगर उनमें फॉल होता है, ठीक है, अगर इनमें से जितने भी टॉर्ट में दिए हुए हैं उनमें फॉल होता है तो फिर वो डिफेंडेंट लायबल होगा, ठीक है, अगर इन स्पेसिफिक सेट में से किसी में फॉल नहीं होता है तो वो लायबल नहीं होगा, ठीक, क्या बोलता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ क्लियर सेट ऑफ पिजन होल्स इफ द डिफेंडेंट रॉन्ग विल नॉट फिट एनी ऑफ दीज पिजन होल्स ही हैज कमिटेड नो टॉर्ट, अगर इसमें से किसी में भी फॉल नहीं हुआ तो डिफेंडेंट ने कोई टॉर्ट नहीं किया है, ये सेकंड थ्योरी बोलती थी, ठीक है, इन्होंने क्या बोला था ये पूछ दिया भी जाता है, जस्ट एज क्रिमिनल लॉ कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी ऑफ रूल एस्टेबलाइजिंग स्पेसिफिक ऑफेंसेस, सो द लॉ ऑफ टॉर्ट टॉर्ट
कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी ऑफ रूल्स एस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक इंजीनियर। अब क्या हुआ, ये लास्ट ईयर यही चीज लिख के आ गया था किसमें, बिहार जुडिशरी में, और पूछ दिया गया था कि ये चीज किसने बोली है। ठीक है, सामंत साहब ने कहा था कि जस्ट एज क्रिमिनल लॉ, जैसे क्रिमिनल लॉ जो है बॉडी ऑफ रूल कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑफ रूल एस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक ऑफेंसेस, जैसे क्रिमिनल लॉ में साफ साफ दिया हुआ है कि ये ऑफेंसेस हैं, अगर कोई लायबल होता है तो उन्हीं ऑफेंसेस में लायबल होगा वरना नहीं होगा, उसी तरीके से लॉ ऑफ टॉर्ट में भी स्पेसिफिक बॉडी ऑफ रूल्स हैं, अगर इन्हीं बॉडी ऑफ रूल्स में अगर वो फॉल होता है जिसको वो पिजन होल रूल्स बोलते हैं तो वो लायबल होगा वरना नहीं होगा। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला कि लॉ ऑफ टॉर्ट किसने लिखी, अगर ऐसा लगा हुआ है तो सामंत साहब ने लिखी है, पिजन होल थ्योरी ये बहुत पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा, ठीक है आपको मालूम भी होगा पिजन होल थ्योरी किसने दी, सामंत साहब ने, सामंत साहब जो जिस थ्योरी को सपोर्ट करते थे वो क्या कहता था कि एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। आप ये बताइए कमेंट करके कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ किसने बोला था। ठीक है, और एक बात बताएं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्कॉलर्स ने जिस फील्ड में काम किया होता है वही उनके आर्टिकल्स में दिखाई भी देता है। अब सामंत साहब क्या थे, ये कोडिफाइड लॉ के सपोर्टर थे, ये एक तरीके से इसको कोडिफिकेशन करना चाहते थे, डायरेक्टली नहीं लेकिन भाई एक सेट ऑफ रूल्स तैयार कर दे रहे हो इसका मतलब तो कोडिफिकेशन हो गया ना। इससे ये भी पता चलता है कि अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सामंत साहब हमेशा कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के सपोर्टर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। ये भी लिख लीजिएगा, लास्ट ईयर बिहार जुडिशरी में ये पूछा गया था। चलिए, तो इन दो थ्योरी से क्या हुआ, दो थ्योरी बन के आई ना, इनके हिसाब से किसी भी टाइप का एक्ट जिससे किसी दूसरे के राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो फिर वो टॉर्ट माना जाएगा, फिर चाहे उस पर पहले से लॉ हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है, नहीं है तो नया लॉ बनाइए आप, ठीक है नई उसे रेमेडी बनाइए, अगर कोई भी रेमेडी है कोई भी राइट है तो उसकी रेमेडी भी होनी चाहिए। ये इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे विनफील्ड और पॉलॉक साहब, सामंत साहब का अलग अपना था, उन्होंने पिजन होल थ्योरी दी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इन दोनों में से कोई एक ही तो थ्योरी मानी जाएगी है कि नहीं, तो क्या हुआ एक केस आया डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्या हुआ था इसमें, यस बताइए। चलिए यहां पर इस केस का क्या काम है, अब डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन केस में क्या हुआ, क्या हुआ डोनाग्यू वर्सेस, दिख रहा है कि नहीं, स्टीवेंसन, डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, इसमें क्या हुआ, इन्होंने बोला देखो भाई हम लॉ ऑफ टॉर्ट को, लॉ ऑफ टॉर्ट को हम क्या नहीं कर सकते, क्रिप्ट कैबाइन एंड कन्फाइंड, क्रिप्ट कैबाइन एंड कन्फाइंड। अब उन्होंने क्या किया था, सामंत साहब ने इसको क्रिप्ट कैबाइन और कन्फाइन ही तो कर दिया था ना, कि अगर इन्हीं में से स्पेसिफिक ऑफेंसेस में से अगर फॉल हो रहा है तो वो टॉर्ट है वरना नहीं है, ठीक स्पेसिफिक रूल्स में अगर फॉल हो रहा है तो। देखो डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, आप इसमें जज कौन थे, लॉर्ड एटकिन, ये भी पूछा जाता है, ठीक है लॉर्ड एटकिन। आप लोग कमेंट करके बताइए अजय वर्सेस वाइट, अजय वर्सेस वाइट केस में जज कौन थे, ठीक है तो इन्होंने डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, इन्होंने बोला था लॉर्ड एटकिन साहब ने कि देखिए हम लॉ ऑफ टॉर्ट को क्रिप कैबाइन एंड कन्फाइन करके नहीं रख सकते, ठीक है वो फैलेगा, ठीक है और भी उसमें चीजें आएंगी, तो इस हिसाब से कोर्ट्स जो हैं
वो फर्स्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। कौन सी थ्योरी को? फर्स्ट थ्योरी को, जो किसने दी थी? विनफील्ड और पॉलक साहब ने, उन्होंने उसको सपोर्ट किया और उसके हिसाब से क्या किया, टॉट में नई नई चीजें इन्वेंट इमर्ज की। जैसे नेग्लिजेंस कब आया था? 19th सेंचुरी में टॉट में जोड़ा गया था। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किस केस में जोड़ा गया था? रेनाल्ड बर्टे फ्लेचर, ठीक है। और वेरी गुड, बताइए एब्सोल्यूट लाइबिलिटी किसमें जोड़ा गया था? यस, एनसी मेहता। ये सब चीजें क्या हैं? एग्जाम्पल हैं कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही वैसे वैसे वे टॉट को और उसमें चीजें डालते रहे। जब उन्हें जरूरत पड़ी तब उन्होंने नेग्लिजेंस डाल दिया, जब उन्होंने जरूरत पड़ी तो उन्होंने जुलैंड बसे फ्लेचर में स्टिक लाइबिलिटी डाल दी। बताइए जुलैंड बसे फ्लेचर में जज कौन थे? ब्लैकबर्न जज साहब थे इसमें, ठीक है। पूछे जाते हैं अजय वर्सेस वाइट, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, जलैंड वर्सेस फ्लेचर, इसमें जजेस कौन थे ये भी पूछ देते हैं। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये सब चीजें एग्जांपल हैं किस चीज की, कि कोर्ट ने जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही वैसे वैसे टॉट में और भी चीजें डालते रहे। चलिए अब इसके बाद क्या पूछा जाता है, एक केस है पी राथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कुछ नहीं हुआ था, इसमें बस पेपर में पूछ भी दिया जाता है। इसमें क्या किया था, डिफेंसिव बताए थे किसके, टॉर्ट एंड क्राइम के बीच में, ठीक है, टॉर्ट एंड क्राइम के बीच में डिफेंसिव बताए थे पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। अब क्या रह जाता है, अगर टॉर्ट होता है तो रेमेडीज क्या आपके पास, रेमेडीज पूछा जाता है, ठीक है। रेमेडीज दो टाइप की होती है, या तो आपके पास जुडिशियल रेमेडी है, ठीक है, या आपके पास एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। रेमेडीज दो तरीके से है ना, या तो आप कोर्ट के थ्रू ले लें, ठीक है, या आप एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। अब जुडिशियल रेमेडीज कौन कौन सी हैं? जुडिशियल रेमेडीज हैं अवॉर्डिंग ऑफ डैमेजेस, कौन डैमेज अवॉर्ड करेगा आपको, कोर्ट ही करेगी ना। ग्रांटिंग ऑफ इंजंक्शन ग्रांट कर देना, और क्या है, और है आपकी रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये तो आपकी जुडिशियल रेमेडी हो गई जो कि आपको कोर्ट के थ्रू मिलेंगी, कौन कौन सी, अवॉर्डिंग ऑफ डैमेजेस, ग्रांटिंग ऑफ इंजंक्शन और रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी भी होती हैं, कौन कौन सी एक्स्ट्रा जुडिशियल हैं, जैसे कि एक्सपल्सन ऑफ ए ट्रस्पादर, एक्सपल्सन ऑफ ट्रस्पादर, और क्या है, री एंट्री ऑफ लैंड, और क्या अवेलेबल है, डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, और भी इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हम लोग कहाँ तक आ गए, एक्सेट्रा कहाँ तक आ गए हम लोगों ने इसमें देखा कि फर्स्ट थ्योरी को कोर्ट फॉलो करती है, ठीक है, फर्स्ट थ्योरी को कोर्ट फॉलो करते हुए उसमें कोर्ट ने नेग्लिजेंस 19th सेंचुरी में जोड़ा, स्टिक लाइबिलिटी जेलैंड वर्सेस फ्लेचर में जोड़ा, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एमसी मेहता में जोड़ा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि पी रथनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको टॉर्ट को क्राइम को डिफ्रेंशिएट किया गया, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि रेमेडीज क्या क्या, अगर कोई भी अगर
वॉयलेट करता है आपके राइट्स को, तो आपके पास टॉर्ट में रेमेडीज क्या क्या है? तो रेमेडी दो तरीके से अवेलेबल है, या तो कोर्ट के थ्रू जिसे हम लोग जुडिशियल रेमेडीज कहते हैं, या एक्स्ट्रा जुडिशियल जो कि हम लोग खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है तो कोर्ट के थ्रू क्या होगा, या तो अवॉर्डिंग ऑफ डैमेजेस, ठीक, कि आप जाइए कोर्ट में केस करिए और उससे कंपनसेशन ले लीजिए, ठीक है। दूसरा इंजंक्शन, ठीक है, कि कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। तीसरा रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या है, एक्सपल्सन ऑफ ट्रेसपासर, अगर कोई ट्रेसपासर आपकी लैंड में घुस गया है आप खुद ही फोर्स का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकाल सकते हैं। री एंट्री ऑफ लैंड, अगर कोई आपके उसमें घुस गया है तो आप दोबारा उसमें री एंट्री कर सकते हैं तुरंत ही अगर कर पाए तो, ठीक है। डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट, ये बिहार में 2019 में पूछा गया है, अभी लास्ट ईयर जो बिहार का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट क्या होता है। डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट होता है कि कोई चीज आप कब्जे में अपने कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर कोई जानवर आपके खेत में या आपके पार्क में घुस जाता है और वो नुकसान कर देता है, ठीक है, और वो किसी का पालतू जानवर है, तो आप उसको बांध के रख सकते हैं जब तक वो आदमी जितना आपका लॉस हुआ है वो कंपनसेट ना कर दे, तब तक आप उसको बांध के रख सकते हैं। तो इसी को हम लोग डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा लास्ट 2019 में आया ये बिहार में, ठीक है, बिहार जुडिशरी। और अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, कि आप न्यूसेंस को हटा सकते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है अवॉर्डिंग ऑफ डैमेजेस से, कि डैमेजेस क्या है, इसको हम मिटाते हैं पहले। डैमेजेस जो है वो चार टाइप के हैं, ठीक है। कोर्ट जो डैमेजेस अगर ग्रांट करेगी तो कैसे ग्रांट करेगी ये हम देखते हैं। डैमेजेस चार टाइप के हैं, डैमेजेस से भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है और फ्लैट में भी आता रहता उसमें से। काइंड्स ऑफ डैमेजेस, पहला डैमेजेस जो है वो है कंटेम्प्टुअस है आपका नॉमिनल, तीसरा है आपका ऑर्डिनरी और चौथा है आपका एग्जम्पलरी। क्या है भाई इसमें तो क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। कंटेम्प्टुअस डैमेजेस वो होते हैं जिसमें क्या होता है आप कोर्ट को सही से प्रूफ ना कर पाए, ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या करता है, बस थोड़ा सा आपको कंपनसेशन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने केस किया किसी के ऊपर डिफेमेशन का, ठीक है, आपने किसी के ऊपर, या आपने किसी के ऊपर असॉल्ट का केस किया, ठीक है, आपने असॉल्ट का केस किया और टॉर्ट के थ्रू आप गए, लेकिन वहां पर कोर्ट में पता चला कि आपने ही पहले कुछ शुरुआत की थी जिसकी वजह से असॉल्ट हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ आप सही से अपना केस प्रूफ नहीं कर पाए, तो फिर आपको कंटेम्प्टुअस डैमेजेस दिया जाएगा जो कि बहुत ही कम होता है, ठीक है, और ये कब दिया जाता है जब आप अपना केस सही से प्रूफ नहीं कर पाते हैं। नॉमिनल डैमेजेस क्या होता है, नॉमिनल डैमेजेस दिया जाता है कौन से केसेस में, व्हेन इंजरी साइन डैम में, क्या होता है जब आपका वॉयलेशन ऑफ राइट तो है लेकिन विदाउट डैमेजेस, विदाउट लॉस, सॉरी कि भाई कोई लॉस नहीं हो रहा है आपको लेकिन आपके राइट का वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है आपके राइट को वो, कि आपका इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ है तो आपके राइट के वो उसको करते हुए, आपके राइट को रिकॉग्नाइज करते हुए वो आपको कंपनसेशन देते हैं, ठीक है। नॉमिनल डैमेजेस ऑन रिकॉग्निशन ऑफ योर राइट, ऑन रिकॉग्निशन ऑफ राइट, ये डैमेजेस कब दिया जाता है कि भाई आपका राइट का वॉयलेशन तो हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको कोई लॉस थोड़े हुआ है, तो क्या हुआ नॉमिनल डैमेजेस उस केस में दिया जाता है जिसमें आपके रिकॉग्निशन ऑफ राइट होता है, ठीक है। ये लास्ट ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा चाहे, 2019 में बिहार जुडिशरी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होता,
ऑर्डिनरी डैमेजेस होता है जिसमें आप जितना आपको लॉस हो रहा है ना उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर लॉस, अकॉर्डिंग टू लॉस और डैमेज, जितना आपको डैमेज हुआ है उसी हिसाब से आपको कंपनसेट कर दिया जाए तो वो ऑर्डिनरी डैमेजेस कहा जाएगा। एग्जाम्पलरी डैमेजेस क्या होता है, जब इन एक्सेस ऑफ योर लॉस एक्सेस में आपको दिया जाए, इन एक्सेस ऑफ योर डैमेजेस, कि डैमेज तो आपको कम हुआ लेकिन आपको कंपनसेशन ज्यादा दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे से वो ऐसा ना करे, ठीक है। इसको एग्जाम्पलरी को हम पुनेटिव भी कहते हैं, पुनेटिव डैमेजेस, ठीक है, समझ में आ गया ये चारों। चलिए अब क्या देखना है, अब एक चीज और देखनी है हम लोग को कि डिस्चार्ज एंड वेवर ऑफ टॉर्ट काइंड देख लिया आपने, ज्यादा लंबा हो जा रहा है लेक्चर, कोई नहीं, क्या क्या देखना है कि डिस्चार्ज कब होगा। अब लायबिलिटी से आप इसमें से भी क्वेश्चन आता है दोस्त, अरे क्या हो रहा है, मार्कर नहीं चल रहा, डिस्चार्ज एंड वेवर ऑफ टॉर्ट, कि आप टॉर्ट से डिस्चार्ज कब हो सकते हो, मतलब आपकी लायबिलिटी कब खत्म हो सकती है, जब, ध्यान रखिएगा सात पॉइंट है, सातों ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, डेथ ऑफ अदर पार्टी, अरे भाई अगर कोई भी पार्टी मर जाती है तो फिर लायबिलिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा वेवर बता देंगे अभी क्या होता है वेवर, तीसरा अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, अभी लिख लेते हैं फिर सब समझाते हैं, ठीक है। चौथा रिलीज, पांचवा एक्सपेंसेस, छठा जजमेंट रिकवर्ड, सातवा लिमिटेशन, बार ऑफ लिमिटेशन, क्या है, हम लोग ये देख रहे हैं कि टॉर्ट डिस्चार्ज वेवर ऑफ टॉर्ट कब होगा, मतलब टॉर्ट हुआ है लेकिन पार्टी जो है अब उससे डिस्चार्ज हो चुकी है, ठीक है, उसकी लायबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। पहला कि अगर कोई भी पार्टी मर जाती है, अरे भाई अगर कोई मर जाएगा अब क्या है, अब किसके ऊपर डिफेमेशन का केस करोगे, ये टॉर्ट है, समझे कि नहीं, यहाँ पर पार्टी मर जाती है वहीं पर लायबिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा वेवर, वेवर का मतलब है कि इस टाइप के टॉर्ट ऑफेंस, इस टाइप के टॉर्ट में आप फॉल हो रहे हैं जहां पे आप क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, अगर आप क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में चले कमेंट करके बताइएगा, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस किस सेक्शन में कहां से कहां तक दिया हुआ है, ठीक है। अगर क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो फिर आप वेवर हो जाएगा, ठीक है, अगर आप क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट में ना जाके क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, ठीक। अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि भाई हम पार्टी ने आपस में एग्री हो गए, ठीक है, केस ना करके वो आपस में एग्री हो गए कि अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, रिलीज और एक्वेंसिस, इन तीनों में ही पार्टी आपस में सेटल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि मैं डिफेमेशन का तुम्हारे ऊपर 50,000 का केस करूंगा, अब वो कह रहा 50,000 नहीं, आप 25,000 ले लीजिए, आप 25,000 में एग्री हो गए तो वो अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। एक्वेंसिस में भी ऐसा ही है और रिलीज में भी ऐसा ही है कि आप आउटसाइड द कोर्ट आप सेटल कर लें। जजमेंट रिकवर्ड, अब मान लीजिए आपने केस किया, केस के बाद जजमेंट आया वो भी रिकवर्ड हो गया, अब रिकवर्ड हो गया अब उसके बाद थोड़े कोई लायबिलिटी, अब तो केस खत्म हो गया अब बस, या बार ऑफ लिमिटेशन, या लिमिटेशन बार हो जाता है, लिमिटेशन एक्ट पे आपने पढ़ा होगा, इसमें टॉर्ट में एक टाइम पीरियड होता है कि आप एक साल में या दो साल में केस कर सकते हैं, अगर आपने उतने टाइम में नहीं किया अब आप नहीं कर सकते। एक चीज और, वेवर जो है वो डिफेमेशन के केस में वेवर नहीं होता, डिफेमेशन एंड असॉल्ट दो केसेस में,
डिफेमेशन और असॉल्ट के केस में वेवर नहीं होता, वेवर नहीं होता, वेवर नहीं होता है, ठीक, किसमें, डिफेमेशन और असॉल्ट के केस में। चलिए इतना समझ में आया, कल हम लोग नो फॉल्ट लायबिलिटी देखेंगे। सर ठीक, थैंक यू।